हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग फटाफट फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट वो सभी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें और इन क्वेश्चंस का आनंद उठा सकें। आप सभी को पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, और यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है वो कब है, 9th ऑफ मे 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ, इसमें आपके यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अच्छे मार्क्स आएँ, तो यहाँ पर इन सभी वीडियोस को आप देखें और इन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जाएँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं वो जल्दी से फटाफट इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जाएं और मुझे अपना आंसर भी कमेंट करके बताएं, और लास्ट में सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद में आप मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर करेंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज इज प्राइमरी पर्पज ऑफ द, ये किसका प्राइमरी पर्पज है। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑप्शन नंबर बी की बात करें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ऑप्शन नंबर सी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, जैसे 2017 में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, अगर आप वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना है। तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहां पर जब सेफ्टी की बात की जाएगी, हेल्थ की बात की जाएगी और वेलफेयर की बात की जाएगी, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, तो वो डिफाइन किया गया है किसमें, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। जो सभी प्रोविजन हैं, सारे प्रोविजन किसमें आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कवर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर टू की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने स्क्रीन पर। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, तो मुझे यहां पर बताओ इनमें से कौन सा एक्ट है ना, इनमें सभी में से छांट के बताइए कि वो कौन सा एक्ट है जो सेफ्टी और हेल्थ की बात नहीं करता, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर के लिए, लेबर के लिए, है ना, सेफ्टी और हेल्थ की बात नहीं करता, इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें यह डिफाइन किया गया है। भाई यहां पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता जाऊं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप अड्डा 24/7 यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट में इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो यहां पर आप लोग अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट सभी वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो अगर हम लोग बात करें जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, ये एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ के बारे में डिस्कशन नहीं करता, उसके बारे में यहां पर कोई डिस्कशन नहीं है। अदरवाइज फैक्ट्रीज एक्ट की बात करेंगे, माइंस एक्ट की बात करेंगे, डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 की बात करेंगे, इसमें एम्प्लॉयज की सेफ्टी और हेल्थ दोनों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन में यहां पर दो चीजें आपको बतानी है, एक है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये बोल रहा है वेलफेयर इज नॉट पार्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो वेलफेयर है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का पार्ट नहीं होता। क्या लगता है आप लोगों को, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहां पर जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर सेफ्टी एंड हेल्थ ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का पार्ट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर,
और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बिकम एन इंस्पेक्टर एज पर द एक्ट। यानी अगर हम लोग बात करें जो डीएम है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकता एज पर द एक्ट। ये क्या लगता है आपको, ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? तो आसान क्वेश्चन है भाई, आपने अपने आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बता दे जाएं हर क्वेश्चन का, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग क्वेश्चंस को यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं, और लाइक बटन के ऊपर हिट करके मुझे बताते जाएं कि हाँ सर हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो भी इंस्पेक्टर बन सकता है ना, वो भी यहां पर इंस्पेक्टर बनकर काम कर सकता है, ठीक है, वो एलिजिबल होता है। तो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। एज पर द एक्ट द फ्लोर ऑफ एवर वर्क रूम शुड बी क्लीन वंस एवरी। ऑप्शन नंबर ए हर दिन क्लीन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मंथ में एक बार क्लीन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी वीक में एक बार क्लीन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी और यहां बात करता है हर घंटे क्लीन होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर हम लोग बात करें यहां पर जो भी वर्क प्लेस है, जहां पर जिस फैक्ट्री के अंदर जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, तो वहां पर जो फ्लोर है ना, जो फ्लोर है जिसके ऊपर काम करते हैं, वो कम से कम एक सप्ताह में एक बार क्लीन होना चाहिए, उसकी सफाई एक सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए एज पर द एक्ट। वैसे तो डेली क्लीनिंग होती है, डेली सफाई होती है फैक्ट्रीज के अंदर, लेकिन अगर डेली सफाई नहीं हो पाती, डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती, कम सप्ताह में एक बार वो जो वहां पर फ्लोर है उसको क्लीन जरूर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द पावर ऑफ इंस्पेक्टर इज डिस्कस्ड अंडर, अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें, इनमें से वो कौन सा सेक्शन है जिसमें इंस्पेक्टर की जो पावर्स हैं उनको डिस्कस किया गया है, उनको डिफाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बात करता है सेक्शन 9 की, ऑप्शन नंबर बी की बात करें सेक्शन 10, ऑप्शन नंबर सी की बात करें सेक्शन 11, ऑप्शन नंबर डी की बात करें सेक्शन 12। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे करेक्ट आंसर बताएं। तो अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें तो इसमें जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 यहां पर डिफाइन करता है, सेक्शन 9 बताता है यहां पर कि कहां पर जो पावर है वो डिफाइन की गई है ना, इंस्पेक्टर के पास में कितनी पावर है, वो जो फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करता है तो वो यहां पर किन किन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है, ये पावर इसी में डिफाइन की गई है सेक्शन 9 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगर हम लोग बात करते हैं जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसको कौन से ईयर में पास किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बात करता है 1923 में, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 1948, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो यहां पर अगर हम ESIC की बात करते हैं तो कौन से ईयर में पास हुआ था, तो अगर हम लोग बात करें इट इज पास इन 1948, 1948 में इसको पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द लेबर और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इंक्रीज व्हेन द मेजर इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, आप सभी को पता है कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है या लेबर प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, है ना, आप सभी को पता है फैक्ट्रीज के अंदर कंपनीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से यहां पर बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे लेबर, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो जा रहा है या उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो रही है। तो इस केस में यहां पर जो मास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन लेबर की, वर्कर की रिक्वायरमेंट लगातार कम होती जा रही है। तो ये कौन से सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी और यहां पर 20th सेंचुरी। What is the correct answer of this question? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे राइट आंसर बताएं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी में 20वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार अपग्रेड होती गई है,
किसके लिए? मास प्रोडक्शन के लिए। मास प्रोडक्शन लगातार बढ़ता गया है और जिसकी वजह से जो लेबर और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है वो लगातार इंक्रीज होती चली गई है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। द फैक्ट्रीज एक्ट वाज अनेक्टेड इन, अगर हम फर्स्ट पहले फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें तो कौन से ईयर में अनेक्टेड हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1881, ऑप्शन नंबर बी 1895, ऑप्शन नंबर सी 1897, ऑप्शन नंबर डी की बात करें 1885। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाई मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आप सभी के पास से मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग, है ना। जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट, पहला जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो एनेक्टेड हुआ था 1881 में, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और ये है आप सभी के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन। द स्पेस ऑफ एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 शुड बी हाउ मच क्यूबिक मीटर। यानी जब कोई लेबर फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो उसे कम से कम कितना स्पेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उसके पास कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए काम करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए 9.9 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10.2 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर सी 14.2 क्यूबिक मीटर या 13.2 क्यूबिक मीटर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर हम लोग यहां पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 14.2 क्यूबिक मीटर, इतना स्पेस उसके पास में कम से कम काम करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं एक मिला के एकदम खड़े कर दिया है और यहां पर हाथ पैर चलाने की जगह भी नहीं बची है ना, पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए एक वर्कर के लिए काम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? दैट इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जल्दी से आप लोग मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दें कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, इसमें कितना स्कोर किया है, जल्दी से फटाफट मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर करें। और मैं आपको बता देता हूं ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और यहां पर एक जो बैच है अभी 7th of September यानी कल ही लॉन्च हुआ है जिसमें एक ही क्लास हुई है, उसका रिकॉर्डेड वीडियोज आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसमें आप जितना जल्दी हो सके एनरोलमेंट करें और अपनी UPSC EPFO की जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करें। तो इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा adda247.com और जैसे ही आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा, है ना, जैसे स्क्रॉल करेंगे सेकंड लाइन में सेकंड नंबर पे आएगा EPFO जिसमें EPFO का लोगो भी लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जिसमें EPFO की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप में आ रहा है UPSC EPFO 3.0 कंप्लीट बैच एनफोर्समेंट ऑफिसर 14th of September 2020 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इस बैच में यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं। वैसे तो ये बैच 4000 रुपये का है, 3999 का है और यहाँ पर जो 9 सब्जेक्ट हैं UPSC EPFO के वो 9 के 9 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर होंगे और यहाँ पर 9 सब्जेक्ट को 9 फैकल्टीज ही आपको पढ़ाएंगी, 9 मेंटर आपको मिलने वाले हैं जो इस बैच को पढ़ाएंगे और हर मेंटर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे तो जितने कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं तो उन सभी को हम एक कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कूपन कोड है Y195। तो इस कूपन कोड का कैसे यूज़ करना है तो वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस कूपन कोड का आप कैसे यूज़ करेंगे, दोबारा से लिख देता हूँ Y195। ये कूपन कोड कैसे यूज़ करेंगे तो इसके लिए जो प्राइस है, प्राइस के नीचे आप लोगों ने देखा है यहाँ पर आ रहा है व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो ईमेल आईडी आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं वो आपको टाइप करना है क्योंकि इसी ईमेल आईडी की वजह से आप लोग पूरे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में, है ना, नीचे कूपन कोड एंटर कीजिए Y195 तो आपको 57% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर मैं टोटल डिस्काउंट की बात करूँ, है ना, टोटल डिस्काउंट यहां पर 76% का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और 1919 रुपये में ये बैच आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आज फ्लैश सेल ऑफर चल रहा है UPSC EPFO बैच के ऊपर और ये फ्लैश सेल ऑफर का बेनिफिट आपको मिलेगा कूपन कोड Y195 यूज करने पर, प्रोमो कोड Y195 यूज करने पर सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे।
और उसके बाद में यहाँ पर 15 महीने की वैलिडिटी है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं, 300 घंटे के लाइव क्लासेस है, 65 ई बुक्स हैं, और हर लेक्चर का आपको PDF मिलेगा और हर लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जिसको आप जितनी मर्जी बार प्ले करके देख सकते हैं। और यहाँ पर इतना कुछ आपको मिल रहा है ओनली 1919 रुपये में। तो जितना जल्दी एनरोलमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपकी सीट इसमें बुक हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, और कल हम लोग मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में शाम को 6 बजे UPSC EPFO में, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल भी हमारे साथ में जुड़िए शाम को 6 बजे 6 PM पर। तो चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।